ये कहते गरीब नवाज ने बुलाया है, गरीब नवाज ने बुलाया। लोग ये नहीं कहते मैं अजमेर जा रहा हूँ, कहते गरीब नवाज ने बुलाया है। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें खाया बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। कशा कशा उलमा फुकहा मुहद्दिसीन अवाम हत्ता के हजारों औलिया, अगर किसी को आके हो तो चल कर देख लो ये आते नूर में कितने सर झुका के बैठे होंगे और करण की भीख मांग रहे होंगे। कहां वो दिन जहां अना सागर के किनारे बैठे दरख्त के नीचे, कहां आज कल ये मर्तबे क्यों मिले, ये मकाम क्यों मिला? कल तो मोइनुद्दीन का कोई घर नहीं था, आज हिंदुस्तान में घर घर में मोइनुद्दीन है। बेशक सुभान अल्लाह। कल मोइनुद्दीन का कोई दोस्त नहीं था, आज जो कलमा पढ़ते हैं वो भी सर झुका रहे हैं, जो कलमा नहीं पढ़ते वो भी चादर लेकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कोई वजीर चादर ला रहा है, कोई अमीर चादर ला रहा है, और ये तो वजीर और अमीर है शहर के सूबे के इलाके के। हमने तो अकबर जैसे को पैदल आते देखा है तारीख में। सुभान अल्लाह। अकबर पैदल आ रहा है, शाहजहां पैदल आ रहा है, औरंगजेब दाढ़ी से जारूद कशी करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या चीज है? एक दौर वो था अना सागर के किनारे बैठे हैं, एक दौर ये इतनी इज्जत, इतना वकार, इतनी शान क्यों? एक ही वजह, इनी तंसुरुल्लाह। गरीब नवाज ने यहाँ आके कोई बिजनेस नहीं खोला, गरीब नवाज ने यहाँ आकर कोई दुकान नहीं खोली, गरीब नवाज ने यहाँ आकर के कोई अपने जाती मफाद का धंधा शुरू नहीं किया, न इज्जत के लिए, न दौलत के लिए, न शोहरत के लिए, कुछ नहीं। इन तंसुरुल्लाह, गरीब नवाज अकेले अल्लाह के दीन के हिंद में मददगार बने और 90 लाख मुनकरीन इस्लाम को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया। नतीजा क्या निकला? यंसुरकुम, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी इमदाद करेगा। वो यो सब बितकदामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा। 40 फकीरों के साथ निहत्ताने वाला मोइनुद्दीन, जिसको घर भी नसीब नहीं था, आज दिल दिल में बसा हुआ है। खुदा ने ये जो कदम जमा दिए हैं, ये अल्लाह के दीन की मदद का सदका है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने दीन की मदद कैसे की? 90 लाख मुनकरीन ने इस्लाम को कलमा पढ़ाया है। कितने? 90 लाख। एक बात कहता हूँ, आज अल्लाह की मदद चाहते हो, बेशक तिजारत करो तो अल्लाह की मदद आए, एजुकेशन की फील्ड में जाओ तो अल्लाह की मदद आए, घरों में रहो तो अल्लाह की मदद आए। गरीब नवाज ने 90 लाख को मुसलमान बनाया। मेरे अजीज, तू 90 लाख नहीं, 90 हजार नहीं, 90 100 नहीं, 90 इंसान भी नहीं, दूसरे कोई मुतालबा नहीं, क्योंकि तेरी मेरी औकात इतनी नहीं कि तू 90 लाख को मुसलमान बना सके। हम 90 लाख को नमाजी नहीं बना सकते, 90 हजार को भी नहीं बना सकते, 90 100 को भी नहीं बना सकते, 90 लोगों को भी नहीं बना सकते, अपनी औकात कुछ नहीं। वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है। लोग कहते गरीब नवाज कैसे बनता है? मैंने कहा, जब अली का खून, फातिमा का शीर, सुभान अल्लाह, नूर मुस्तफा की तजल्लिया होती है, जब कोई जाकर गरीब नवाज बनता है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे गहरे नत्तू खैरे दरख्तों में गरीब नवाज जैसे थोड़ी खिला करते, इसके लिए तो नबवी जिल चाहिए, वाह, अलवी बुर्ज चाहिए, बतूली मंजिल चाहिए। बेशक जब कहीं जा करके वो फसल उगती है जिसमें मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे फूल खिलते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मुसलमानों जो अल्लाह की मदद चाहते हो, अल्लाह की नुसरत चाहते हो, तो गरीब नवाज ने 90 लाख मुनकरीन इस्लाम को कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। मेरे भाई, तू 90 लोगों पर भी मेहनत कर, न करिए तेरी
जिम्मेदारी, लेकिन आपसे इतना कहता हूँ, सिर्फ अपने घर वालों को मुसलमान बना करके रख लो, बस सिर्फ अपने घर वालों को मुसलमान बना कर रख लो, अल्लाह की मदद आप पर आएगी। आप चलोगे तो अल्लाह की मदद के साए में, आप बैठोगे तो अल्लाह की मदद के साए में, आप उठोगे तो अल्लाह की मदद के साए में, आप जियोगे तो अल्लाह की मदद के साए में, मरेंगे तो अल्लाह की मदद के साए में, हत्ता के जनाजा भी उठेगा तो अल्लाह की मदद के साए में उठेगा। बस इतना करना है, सिर्फ अपने घर वालों को मुसलमान बना के रखना है। ख्वाजा ने 90 लाख को मुसलमान बनाया, तुम और हम सिर्फ अपने घर वालों को मुसलमान बनाए। आप कहेंगे क्या मेरे घर के लोग मुसलमान नहीं, मैं कहता हूँ यही तो रोना है, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना बहुत आसान है, काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है, मुसलमान का मुसलमान होना बहुत लंबी गुफ्तगु नहीं करता, बस शॉर्ट में इतना बताकर गुजरना चाहता हूँ, मुसलमान बनाओ अपने घर वालों को, अपने घर वालों को मुसलमान बना करके रखो। हम आप कहेंगे कैसे मुसलमान, मैं कहता हूँ सिर्फ जुमा के दिन टोपी पहनने वाला नहीं, सिर्फ मोहल्ले में किसी की मैयत पे सबसे रुमाल बांधने वाला मुसलमान नहीं, सिर्फ गोश्त और मछली खाने वाला मुसलमान नहीं, हाँ हाँ सिर्फ निकाह के मौके पे ताजी को ला के खुतबा पढ़ाने वाला और टूटे फूटे अंदाज से कलमा पढ़ के निकाह पढ़ लेने वाला मुसलमान नहीं, मुसलमान ऐसा मुसलमान जिसको मुस्तफा जाने रहमत मुसलमान कहे, जिसको खुदा की किताब मुसलमान कहे, अपने घर में अपने बच्चों को ऐसा मुसलमान बना दो, फिर देखो अल्लाह की मदद कैसे आएगी। आप कहेंगे वो मुसलमान कैसा होता है, उसके झलक दिखाकर अपनी गुफ्तगु तमाम करते हैं। वो मुसलमान कैसा होता है जिसको तुम मुसलमान कहते हो, वो मुसलमान ऐसा होता है जिसका मैंने तारुफ करा दिया, जुमा के दिन टोपी पहनेगा, मोहल्ले के अंदर मैयत हो जाए तो रुमाल बांध लेगा, अल्लाह हू अकबर, कभी कभी गोश्त और मच्छी खा लिया करेगा, इस तरह का मुसलमान। ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए इस्लाम को। आओ इस्लाम को कैसा मुसलमान चाहिए, आइए थोड़ी सी उसकी झलक देख ले। नंबर एक, ऐसा मुसलमान कि जब अजान हो तो फिर वो मैदान में नजर न आए, अजान हो वो घर में नजर न आए, अजान हो वो खेल के मैदान में नजर न आए, जब अजान हो तो फिर वो मस्जिद की तरफ चल पड़े। अल्लाह हू अकबर, रसूल अल्लाह ने कैसा मुसलमान बनाया था, मेरे आका ने कैसा मुसलमान बनाया था। अल्लाह हू अकबर, अगर कोई मुसलमान हथौड़ा उठाता लोहे पे मारने के लिए और जैसे ही अजान की आवाज आती, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती, तो वो मुसलमान उठाया हुआ हथौड़ा लोहे पर मारने की बजाय वो जमीन पर रख दिया करता था और मस्जिद की तरफ चला जाता था, ये कहते हुए मेरे अल्लाह ने बुलाया है, मेरे रब की तरफ से बुलावा आया है। जरा सोचो तो सही, क्या ऐसे मुसलमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्या ऐसे मुसलमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। आओ सरकारे गरीब नवाज के मलफूजात में देखो, हुजूरे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, नमाज अल्लाह की अमानत है, अमानत दिल के कानों से सुनना। गरीब नवाज की नगरी में रहने वालों, दिल के कानों से सुनना, गरीब नवाज फरमाते हैं, नमाज अल्लाह की अमानत है, जो इसको अदा करता है वो मोमिन है, और जो अदा नहीं करता, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक किया जाएगा, जो नमाज के बारे में जवाब देगा निजात उसी की होगी, और अगर जो नमाज के बारे में जवाब न दे सका तो उसको जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा, उसको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ अजमेरे मोहल्ला की जमीन में बसने वाले मुसलमानों, क्या अजान सुनकर कभी ऐसी बेचैनी होती है कि चलो अल्लाह की अमानत अदा करने का वक्त आ गया, खुदा की अमानत अदा करने का वक्त आ गया। सुनो मेरे गरीब नवाज के अकीदे में नमाज क्या है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि नमाज में जब बंदा खड़ा होता है तो माबूद से वो रास की बातें करता है, अल्लाह से वो रास की बातें करता है। अगर खुदा से रास की बातें करना है तो नमाज के लिए खड़े हो जाया करो। आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं फुला तो फुला वजीर का रास्तार है, फुला तो फुला पीर का रास्तार है, फुला तो फुला आलिम का रास्तार है। गरीब नमाज के अकीदे में नमाज ही अल्लाह का रास्तार।
ईमानदार है, लेकिन इतनी बड़ी नेमत से मुसलमान काफिल है। दुकान पे तवज्जो है, नमाज पे तवज्जो नहीं। क्रिकेट के मैदान पे तवज्जो है, नमाज पर तवज्जो नहीं। अल्लाह हू अकबर। ये दौलत और ये चंद सिक्के, ये चंद रुपये मरने के बाद जो तुम्हारी तिजोरियों में पड़े रह जाएंगे, जो तुम्हारे बैंक बैलेंसों में पड़े रह जाएंगे, नादानों इन रुपयों के लिए इतनी तकोदौ है। और वो नमाज की रोशनी और नूर जो कफन में साथ साथ जाएगी, जो तुम्हें कब्रों में दूल्हा बनाएगी, जो तुम्हें दुल्हन की तरह सुलवाएगी, उस नमाज के लिए कौन सा वक्त निकाला? तो हमें वो मुसलमान नहीं चाहिए जो सिर्फ गोश्त तो मछली वाला हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान वो चाहिए जो नमाज का पाबंद हो, अजान सुने तो मस्जिद की तरफ जाए, बेचैनी और बेकरारी हो।